तो दोस्तों, इस दुनिया में किसी का भी उदय अचानक से नहीं हो जाता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। तो जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। हेलो एवरीवन, स्टडियर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 4th, 2019 और डे है फ्राइडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है। कल की न्यूज से रिलेट करते हुए आपसे पूछा जा रहा है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2018 जो नॉक्टे, टांगसा, टोटसा, वांचो जो ट्राइब्स हैं वो किच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखो, कल भी मैंने आपको हिंट दिया था कि इस पर्टिकुलर बिल से किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है और आपको क्या याद करना है कि कौन सी ट्राइब कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है। आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी मणिपुर या ई असम। और जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। तो सबसे पहले पेज नंबर 18 पे एक एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगी है। सबसे पहले आप ये एडवर्टाइजमेंट देखो। तो हेडलाइन है अनवीलिंग इंडियाज गेटवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद साउथ ईस्ट एशिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ पे इनॉग्रेट किया मौर्य विलेज मणिपुर के अंदर। अब जो मौर्य विलेज है मणिपुर के अंदर, वो विलेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे इंडिया की सबसे लास्ट विलेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो हमारा मणिपुर और जो यहाँ पे म्यांमार का जो बॉर्डर है, वहाँ लोकेटेड है ये मौर्य विलेज। इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली भी, पॉलिटिकली भी, और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी मौर्य विलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इसकी क्या हाईलाइट होने वाली है, देखो ये इंडिया के गेटवे के रूप में काम करेगा जो कि हम लोग अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया से लिंक करना चाहते हैं। जो हमारी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसको कामयाब बनाने में मदद करने वाला है। ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है लोकेटेड है ऑन दी NH 39 जिसे हम एशियन हाईवे नंबर 1 के नाम से भी जानते हैं। 38 एकर्स में ये स्प्रेड है और यहाँ पे सेपरेट का पैसेंजर्स और कार्गो फैसिलिटीज़ भी बनाई गई हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट रहने वाली है 90 करोड़ रुपीज़। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखो कि ये जो मौर्य विलेज है ये कहाँ पे पड़ती है। देखो, आपको मणिपुर का मैप दिखाई दे रहा होगा, उसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे म्यांमार है और दोनों के बीच में यहाँ पे मौर्य विलेज पड़ती है। आप यहाँ पे देखो, मैंने इम्फाल से लेकर मौर्य तक एक यहाँ पे लाइन भी है कि किस तरीके से यहाँ पे वो जो पैसेंजर्स हैं, जो कार्गोज हैं, वो किस तरीके से जाएंगी। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस इन फेमस इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मौर्य के वाले में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एम्बिशियस यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे ले जाने की जो यहाँ पे मुहिम है वो कामयाब होती हुई तो नज़र आ रही थी जब से इस मौर्य विलेज के अंदर इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप का एक गेट भी बनाया गया था। उस गेट की तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर उस गेट के बनने के बाद जो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई थी वो थे यहाँ पे जो ड्रग्स स्मगलिंग थी वो यहाँ पे बढ़ने लगी थी। तो वैसे जो कमोडिटीज़ हैं उनकी तो यहाँ पे आदान प्रदान होने ही लगा था, पर ड्रग स्मगलिंग भी बढ़ने लगी थी और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बहुत ही इंटेलिजेंट एजेंसीज़ के रूप में काम कर रही हैं मौर्य विलेज के अंदर। बट फिर भी जो इलीगल ड्रग ट्रेड है वो अभी तक भी हमें कम होता हुआ नहीं नज़र आया। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तो खोल रहे हैं, वहाँ पे चेक हो जाएंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर बेनिफिट रहने वाला है इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आ जाओ वापस से पेज नंबर 1 पे, शुरुआत करते हैं ट्रंप्स रिमार्क रिजेक्टेड बाय इंडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सटायरिकल रिमार्क दिया है हमारे भारत देश के बारे में। उन्होंने बोला, आई कुड गिव यू एन एग्जांपल वेयर आई गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें कॉन्स्टेंटली ये बताते गए कि उन्होंने लाइब्रेरी बिल्ट करी है अफगानिस्तान के अंदर, पर लाइब्रेरी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से बहुत ही बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और बल्कि उन्होंने उसे एक मिलिट्री वाली चीज़ से जोड़ दिया कि दैट्स लाइक 5 आवर्स ऑफ व्हाट वी स्पेंड इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे उस चीज़ को एक गलत तरीके से और अच्छी तरीके से, दोनों तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, पर पूरे दुनिया ने इसको एक सटायरिकल फॉर्म में इंटरप्रेट किया है। और इसके रिप्लाई में इंडिया ने बोला है कि इंडिया बिलीव करता है कि इंडिया ने डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है और जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो जिंदगियां हैं उन्हें बदलने में इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भी अपनी जो ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, वो इंडिया में आके करती हैं।
ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान को। और यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि इंडिया की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो तो चल ही रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी बोला कि इंडिया उस तरीके से एक मिलिट्री में भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, एक मॉक करने की कोशिश करी हमारे देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, तो उसके रिप्लाई में इंडिया ने बोला है कि हम लोगों ने आज तक अपनी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस, कोई भी ट्रूप्स अफगानिस्तान में नहीं भेजी हैं, सिर्फ हमारी जब भी ट्रूप्स गई हैं वो UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर ही गई हैं। यहाँ पे एक चीज़ और सजेस्ट करी डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने सजेस्ट किया कि दिल्ली शुड सेंड ट्रूप्स टू दी कंट्री, यहाँ पे इंडिया को ट्रूप्स को सेंड करना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। और यहाँ पे वो अर्ज कर रहे थे रशिया को, इंडिया को और पाकिस्तान को भी कि तालिबान से लड़ने के लिए वो लोग अपनी आर्म्ड फोर्सेज भेजें। इंडिया ने साफ कर दिया है कि इंडिया जो असिस्टेंस देता है अफगानिस्तान को वो एक बायलेटरल एग्रीमेंट के थ्रू देता है, अरेंजमेंट के थ्रू देता है जो कि हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ साइन आउट की थी। नीचे एक ब्लैक कलर में आपके बॉक्स आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया का जो कोऑपरेशन है यहां पे वो पांच पिलर पे एस्टैब्लिश है। पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, चौथा है यहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पांचवा है यहां पे कनेक्टिविटी। इन्हें नोट डाउन कर लेना, पांच क्या की पिलर्स हैं इंडिया और अफगानिस्तान के कोऑपरेशन के बीच में। अब इनके जितने भी सेगमेंट हैं उसके अंदर इंडिया ने बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है पिछले 17 सालों में। यहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे हैं यहां पे जरांग दिलाराम रोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, अफगानिस्तान की मेजर सिटीज को यहां पे कनेक्ट करती है विद द ईरानियन मार्केट, और ये जो रोड है इसी को ही हम लोग जो यहां पे छाबार पोर्ट है उससे यहां पे कनेक्ट करने वाले हैं। इन सब चीजों को भी आप रिलेट करना। यहाँ पे तो ऑफिशियल इंडियन रिस्पांस था वो यही था कि हम लोगों ने कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या उन सब चीज़ों से कभी भी असिस्टेंस नहीं दी है अफगानिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ कम करने के लिए, हम सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया अपनी ट्रूप्स भेजे, उसे यहाँ पे भारत सरकार नकारती हुई नज़र आई है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली पेज नंबर 1 पे जो खबर है वो है एवरी सेकेंड मीन्स लाइफ एंड डेथ फॉर माइनर्स। तो यहाँ पे जो हमारे मणिपुर के अंदर जो रैट होल माइनिंग के अंदर जो 15 लोग यहाँ पे फंस गए थे, उनको खोजने में अभी भी जो हमारी एजेंसी हैं वो लगी हुई हैं, बट अभी भी उनकी कोई भी खबर हमारे सामने नहीं आई है। अब उस चीज़ में यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दखल दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी चीज़ सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जितनी भी यहाँ पे एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों ही अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही हैं, एक साथ मिलजुल के यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से यहां पे जो 15 लोग हैं जो ट्रैप हो चुके हैं इन माइंस के अंदर, वो बाहर नहीं निकाल जा चुके हैं। यहां पे एक बहुत ही बड़ी चीज की गई कि जब थाईलैंड के अंदर इसी तरीके की सिचुएशन हो गई थी, थाईलैंड के अंदर यहां पे जो थाई बॉयज हैं और यहां पे जो टीचर्स हैं वो ट्रैप हो गए थे केव के अंदर, उनको असिस्टेंस देने के लिए इंडिया ने हाई पावर्ड पंप्स भेज दिए थे। तो यहां पर जब हमारे ही देश में के ही लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं रैट होल माइन वाली जो यहाँ पे रैट होल्स हैं उनके अंदर, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग उन हाई पावर पंप्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे सरकार ने रिप्लाई में बोला कि हम लोग एक नोडल ऑफिसर को भी यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, और इसको अपॉइंट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। तो कोर्ट का मेन ओपिनियन था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन हो सारी की सारी एजेंसीज के बीच में, इमीडिएट एक्शन लिया जा सके जिससे जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। राइट हैंड साइड पे आपके एक ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ कल के न्यूज़पेपर का है, कल भी आपके साथ डिस्कशन में लिया था। ओके, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले 3 सालों में राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं माइंस के अंदर, यहाँ पे मेटल माइंस की बात हो रही है, और झारखंड के अंदर आप देखोगे कोल माइंस की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है। तो कल ये रिपोर्ट आई थी जहाँ पे इस डेटा को सोर्स किया गया था लोकसभा से, 2015 से 2017 के बीच का ये डेटा था, और यहाँ पे सबसे आप देखोगे कम जो डेथ्स हुई हैं वो कौन कौन सी स्टेट में हैं जिनके अंदर यहाँ पे मेटल माइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह में तो यहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे कम डेथ्स हुई हैं। और आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कम डेथ्स हुई हैं, पर यहाँ पे मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम लोगों को बाहर निकालना है उन 15 लोगों को जो फंस चुके हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 1 पे, आपको एक और न्यूज़ मिलती है, चाइनाज प्रोब लैंड ऑन फार साइड ऑफ मून सेंड्स इमेजेस। तो यहाँ पे हमें तस्वीरें भेजी हैं
चाइना के चैंग ई 4 लूनर प्रोब ने। और यहाँ पे तस्वीरें भेजी हैं मून के, चांद के उस पार्ट की जो पार्ट हम लोगों को कभी भी दिखाई नहीं देता। अब रीज़न क्या है, क्या कारण है कि वो जो पार्ट है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता? तो रीज़न ये है कि मून बेसिकली टाइडली लॉक्ड है हमारी अर्थ के साथ, और जिस तरीके से अर्थ यहाँ पे रोटेट करती है और उसी सेम रेट से यहाँ पे मून भी रोटेट करता है, इस वजह से हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है और जो डार्क वाली साइड होती है वो हम लोगों को कभी दिखाई ही नहीं देती है। डार्क वाली साइड की जो पिक्चर्स हैं वो तो हमारे साथ पहले ही आ चुकी थी, बट यहाँ पर ज़रूरी हो गया था कि उस डार्क साइड पे भी हम लोग यहाँ पे किसी यहाँ पे रोवर को, लैंडर को लैंड कराएं और फिर वहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करें और देखें कि क्या वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं जो हम मून पे चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे हैं या नहीं। तो फाइनली जो चैंग ई 4 लूनर प्रोब है वो उसको लॉन्च किया गया था अभी कुछ ही दिनों पहले दिसंबर के अंदर, और यहाँ पे उसने हमें इमेज भेजी है फार साइड ऑफ द मून के बारे में। यहाँ पे आपके सामने एक और पिक्चर आ रही है, ये एक्स्ट्रा स्टफ है चैंग ई 4 लूनर प्रोब के बारे में। तो बेसिकली ये मिशन क्या है, इस मिशन के बारे में एक चीज़ आप याद रखना, ये पहला ऐसा अपने आप में मिशन है जो कि जिसने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करी है फार साइड ऑफ द मून के ऊपर, और ये 3rd of January 2019 को लैंड हो गया था, मतलब कल। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले, चाइना वालों ने सबसे पहले कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट को भेजा था जिसका नाम है क्विक क्याओ। तो बेसिकली वो जो रिले सैटेलाइट है उसकी तस्वीर आप राइट हैंड साइड में देखो, ठीक है। रिले सैटेलाइट क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी डेटा फ्रॉम मून टू अर्थ, जो यहाँ पर जो लैंडर है जो वो डेटा भेजेगा उसको हमारे अर्थ पर भेजेगी। ओके, इसके साथ हमने यहाँ पे एक रोबोटिक लैंडर भेजा, जो लैंडर है उसकी तस्वीर आप देख सकते हो। लैंडर क्या करेगा, इट विल स्टडी द जियोलॉजी ऑफ फार साइड ऑफ द मून, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे एक रोबोटिक जो हमने रोवर भी भेजा है, तो रोवर का नाम है यहाँ पे यूतू 2। ओके, इसे जेड रैबिट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये जेड रैबिट है या जो रोवर है वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा, फोटोग्राफ लेगा यहाँ पे लूनर सरफेस के बारे में। तो स्पेसिफिक साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पर्टिकुलर लूनर प्रोब की, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है कि लूनर सरफेस के टेम्परेचर को हम लोग स्टडी करें, इसके साथ जो केमिकल कंपोजिशन है वहाँ की रॉक्स का, सॉइल का, उसे स्टडी करें, लो फ्रिक्वेंसी रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन निकालें, वहाँ से रिसर्च करें, जो कॉस्मिक रेज है उन्हें स्टडी किया जाए, और यहाँ पे जो सोलर कोरोना है उसको भी स्टडी किया जाए इसकी मदद से, कि यहां पे जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है बिटवीन सन एंड अर्थ उसका क्या इंपैक्ट रहता है यहां पे मून के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो पेज नंबर 1 पे आपको एक और खबर मिलती है, वर्सिटीज इन स्टेट्स मस्ट डू रिसर्च। तो मैंने आपको बताया था अभी वर्सिटीज ये वर्ड इस्तेमाल होगा, ये अधूरा शब्द है, इसका पूरा मतलब है यूनिवर्सिटीज। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इस समय चल रहा है 106th इंडियन साइंस कांग्रेस, और इस बारी जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थीम याद रखना। और यहाँ ये इंडियन साइंस कांग्रेस का 106th एडिशन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज या स्टेट कॉलेजेस से पढ़ते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके अंदर भी रिसर्च इकोसिस्टम वाली जो भावनाएं हैं वो डेवलप हो सके। इनोवेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हम लोग वैसे ही ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि उनकी जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है वो जल्द से जल्द फॉर्मुलेट करे एक प्लान कि इन स्कीम्स को यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे बात की गई जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं हमारे देश के अंदर, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी लानी है, उन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना है, वो हम कैसे करेंगे इसके ऊपर ध्यान दिया गया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक मोटो दिया था, जय जवान जय किसान। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर एक और चीज़ जोड़ दी है यहाँ पे, जय अनुसंधान। ठीक है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक और चीज़ जोड़ी थी जय विज्ञान, तो अब अगर आप पूरा जोड़ दोगे तो बनेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है यहाँ पे रिसर्च। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी कि इंडिया को फोकस करना चाहिए इनोवेशन और स्टार्टअप्स के ऊपर। बात हुई यहाँ पे कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, किस तरीके से अटल इनोवेशन मिशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, जो देश जो साइंटिस्ट हैं उनमें ज़्यादा अवेयरनेस हो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, और यहाँ पे जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उनको हम लोग और भी ज़्यादा मैनर में इस्टेब्लिश कर सकें, उससे भी ज़्यादा जो हम लोगों ने पिछले 40 साल में यहाँ पे इस्टेब्लिश करे हैं।
एक चीज आप याद रखोगे, जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके अंदर वर्क करता है, नीति आयोग के अंदर वर्क करता है। इसके अंदर हम लोगों ने अटल टिंकरिंग लैब्स को भी एस्टेब्लिश किया है। देखो नीचे एक पॉइंट आ रहा होगा, कलरफुल यहाँ पे मैनर में लिखा है, रेड में, ब्लू में और ग्रीन में, इसलिए ही लिखा गया है कि वो चीज़ आपको याद हो जाए। ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को। इंडिया की अचीवमेंट बताई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि हम लोगों ने साइंस की फील्ड में 2018 में क्या क्या चीज़ें अचीव करी थी। यहाँ पे हम लोगों ने अचीव किया, पहली यहाँ पे एविएशन ग्रेड बायोफ्यूल को बनाया और उसके द्वारा हम लोगों ने एक फ्लाइट भी कंडक्ट की थी। यहाँ पे एक मशीन हमारे सामने आई जिसका नाम था दिव्य नयन। अब दिव्य नयन क्या है, बेसिकली एक रीडिंग मशीन है जो कि हेल्प करती है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को चीज़ें रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए। हम लोगों ने नए ऐसे डिवाइस बनाए जिससे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर, टीबी और डेंगू को। यहाँ पे हम लोगों ने रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया सिक्किम दार्जिलिंग वाले रीजन के अंदर। याद रखना कि रियल टाइम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम हमारे देश में कहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे। यहां पे बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था और 2014 से लेकर 2019 तक इसकी टाइमलाइन है। यहाँ पर जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब बोला गया था कि यह सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक वाला मिशन है। इस मिशन के अंदर दो सब मिशन आते हैं, एक आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल। जो स्वच्छ भारत मिशन रूरल है उसको आता है अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है वो आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें हर परिवार को, हर फैमिली को, जिसके अंदर टॉयलेट्स, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम उनको यहाँ पे लगाए जा सके, विलेज की क्लीननेस के ऊपर ध्यान दिया जा सके और साथ में सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर भी सबको मिल सके बाय 2 अक्टूबर 2019। यहाँ पे कुछ एमपी का पैनल था जिसका यह कहना है कि बहुत सारे स्वच्छ भारत मिशन के जो टॉयलेट्स बनाए गए थे वो यहाँ पे डिफंक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर कोई भी अब फंक्शन नहीं हो सकता, बेकार हो चले हैं और वो अनयूजेबल हैं। उनसे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज आई है। तो बहुत सारे टॉयलेट्स ऐसे हैं जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो अब खराब हो चुके हैं, डिफंक्ट हो चुके हैं, फंक्शन नहीं करते हैं और अनयूजेबल है, ऐसा कहना है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट का। और यहाँ पे इस चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को हड़काया है इन्होंने और बोला है कि आप इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, पहले ही हम लोगों ने इस चीज के ऊपर एक सर्वे करके आपको रिकमेंडेशन दी थी तब भी आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे सरकार ने बोला जो पुरानी वाली सरकार के अंदर जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन चल रहा था उसके अंदर जो यहाँ पे टॉयलेट्स बने थे वो खराब हुए हैं, जो हम लोगों ने बनाए हैं वो तो टॉयलेट्स बहुत ही मजे से काम कर रहे हैं। बट फिर फाइनली यहाँ पे पैनल ने बोला कि आप इस चीज़ को मानो या मत मानो, जो स्वच्छ भारत टॉयलेट्स हैं वो भी डिसफंक्शनल हो चुके हैं। यहाँ पे बात की गई जो फंड्स हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज स्वच्छ भारत कोष, जिसके अंदर यहाँ पे चैनलाइज किए जाते हैं प्राइवेट और कॉर्पोरेट मनी इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर, वो भी यहाँ पे दिए जा चुके हैं। बट फिर भी उनको क्यों नहीं आप देते हो कि जो पुराने जो टॉयलेट्स हैं जो खराब हो चुके हैं उनको फिर रेट्रोफिट किया जा सके, उनको फिर से हम लोग फिट कर दें, फिर से अच्छा बना दें। तो ये बोला गया सरकार द्वारा कि ठीक है हम लोग उनका इस्तेमाल भी करेंगे उनको फिट करने के लिए। देखो यहाँ पे डेटा भी हम लोगों के सामने रखा गया, डेटा जो है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर ओके, वो इंडिकेट करता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पहले से ही टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, पर वो उन चीजों को नहीं दिखाती कि जो टॉयलेट्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, उन चीजों को यहां पे इग्नोर करते हैं। कितने शॉर्ट स्पैन के लिए यहां पे टॉयलेट्स रहते हैं और लोगों के पास यहां पे टॉयलेट्स हैं भी फिर भी वो यहां पे ओपन डेफिकेशन करते हैं, इस चीज को यहां पे साफ किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ने। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है हमारे तेजस के बारे में, जो हमारा इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके बारे में बात की जा रही है। पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स है जिसके पास यहाँ पे मैंडेट है, जो कि प्रोड्यूस करती है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसका नाम है तेजस। याद रखना है इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है, इसको प्रोटोटाइप तो DRDO ने बनाया है। यहाँ पे जो ये HCA का बहुत ही एडवांस वर्जन है वो 2019 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लिमिटेड क्लियरेंस दिया गया है ऑफ दी LCA तेजस और इसके अंदर एक स्केलिंग देखने को मिलेगी हमें प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो इम्प्रूव्ड LCA वर्जन होगा जिसको अब क्लियर कर दिया गया है, इट हैज़ नॉट येट अचीव द फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस
फॉर दी अपग्रेडेशन। फाइनली उसे क्लियरेंस नहीं मिला है अपग्रेडेशन के लिए, पर वो भी जल्द ही मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं इस पर्टिकुलर हमारे तेजस के, वो है हिंदुस्तान एंड नॉटिकल लिमिटेड, जिनका यहाँ पे एम है कि वो इस पर्टिकुलर जो एडवांस वाला वर्जन है और जो यहाँ पे हैवी यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे मांगा गया है कि हम लोगों को हर हालात में 40 LCA चाहिए, जिनमें से 20 यहाँ पे दिए जाएंगे एडवांस्ड FOC प्रोसीजर फॉर्मेट के अंदर, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले फॉर्मेट के अंदर, और बाकी जो 20 हैं वो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले वर्जन के अंदर दिए जाएंगे। जो LCA का जो प्रोटोटाइप है, इट फर्स्ट फ्लू 18 years ago on January 4, 2001, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे फॉर्म किए हैं द फर्स्ट तेजस यूनिट नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स ऑन July 1, 2016। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे तेजस के बारे में कुछ डिटेल भी आ रही हैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल देखनी हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करना और आप उन सारी की सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है हम सबके प्यारे 2 मिनट नूडल्स के बारे में, मैगी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस सूट को फिर से रिवाइव कर दिया है जो नेस्ले यहाँ पे कई सालों से डील कर रही थी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी सरकार को कि जो नेस्ले है वो यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पे डिफेक्टिव गुड्स बेच रही है इंडिया में, इस वजह से यहाँ पे सूट डाला गया था। और यहाँ पे जो सूट है वो खुद ही सरकार ने डाला था, क्योंकि जो सेक्शन 12(1)(d) है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, 1986 में यह एक्ट आया था, ये यहाँ पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए लोगों को, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे वो खुद ही कंज्यूमर फोरम के अंदर कोई भी केस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैगी के लिए जो समस्याएं हैं, जो नेस्ले के लिए समस्याएं हैं, ओके, तो इट्स अ स्विस फूड जायंट जिसका नाम है नेस्ले, नेस्ले के अंदर आता है मैगी, और मैगी को देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ पे जो सूट है उसको फाइल किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, और यहां पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसर कमीशन के अंदर फाइल किया गया था पर्टिकुलर केस इन August 2015 अगेंस्ट द नेस्ले इंडिया। रीजंस मैंने आपको बताया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, और यहां पे जो मैगी के जो ओट नूडल्स आते हैं उनको यहां पे प्रोडक्ट्स का अप्रूवल ही नहीं लिया गया था और उनको सिर्फ और सिर्फ बेचना ही चालू कर दिया था। तो यहां पे फिर से रिवाइव कर दिया गया है। तो ये जो पिटीशन आई थी एक रिपोर्ट के बाद आई थी, वो जो रिपोर्ट थी वो निकाली थी मैसूर बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2016 के अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि मैगी के अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा डाली जा रही हैं, जैसे अजीनोमोटो, उनके ऊपर भी यहाँ पे उस समय सवाल सामने आ गए थे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 7 पे ही यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट शॉक्ड एट चेनिंग ऑफ इनमेट्स इन उत्तर प्रदेश मेंटल असाइलम। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेंटल असाइलम है वहाँ पे जो इनमेट्स हैं, जो लोग हैं, उनको चेन से बांधा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बोला है कि ये जो प्रोविजंस हैं हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के, उसके तो खिलाफ है ही, साथ ही जो हमारा संविधान हमें जो फंडामेंटल राइट देता है आर्टिकल 21 के अंदर, जो कि है कि हमारे पास राइट है डिग्निफाइड लाइफ को जीने का, उसके भी खिलाफ जाती हैं ये चीज़ें कि आप किसी मेंटल असाइलम के अंदर, चाहे कोई व्यक्ति यहाँ पे वायलेंस ही क्यों ना कर रहा हो, उसको आप चेन के अंदर नहीं बांध सकते। यहाँ से उससे रिलेटेड यहाँ पे खबर आई है, राइट हैंड साइड पे आप तस्वीर भी देख सकते हो, ये सलमान खान की तस्वीर है। पिक्चर का नाम था 13 नाम, ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आप इससे याद कर सको, रिलेट कर सको कि किस तरीके से चीज़ें होती थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समन किया हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, उनको बोला कि जो यहाँ पे पेशेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो मेंटल असाइलम के अंदर रहते हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको चेनों में बांधा जाता है, उसके लिए आपका क्या विचार है, आपके क्या यहाँ पे है, आप उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 है उसके प्रोविजन के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। यहाँ पे बोला गया है ये जो मैटर है ये सीरियस कंसर्न का है और उसको जल्द से जल्द हमें कंसीडरेशन में लेना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पे जो नए नए प्रोग्राम्स हैं उनको चालू करना चाहिए, जिससे लोगों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे जो मिस्टर बंसल हैं जिन्होंने यहाँ पे पिटीशन लगाई थी, उनका ये मानना है, उनकी बात करें, उनकी जो पिटीशन थी वो थी इनिशिएटिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर, कि उन लोगों को मेंटल हेल्थ केयर मिल सके, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, और यहाँ पे एक स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए और यहाँ पे उसको कुछ फंड भी यहाँ पे बनाए जाए अंडर दी मेंटल हेल्थ एक्ट।
देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था उसको फोर्स में आए हुए 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे 9 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे उनको बाकी सारी चीज़ें करनी है जो इस एक्ट के अंदर लिखी हुई थी, बट किसी भी स्टेट ने, किसी भी यूनियन टेरेटरी ने उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो चीज़ें थी उसके ऊपर कोई भी एक चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस ग्लोबली, तो पूरे ग्लोबल में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेस इंडियंस के हैं। ओके, तो इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस ग्लोबली, और साथ ही जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 है, अराउंड 14% ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड एक्टिव मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, और यहाँ पे बोला गया है 2% यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक्यूट एंड लाइफ डिबिलिटिंग मेंटल डिसऑर्डर। तो ये जो कंडीशन है ख़राब है हमारे देश की इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, और इसके अंदर जो यहाँ पे एक्ट आया था 2017 में वो उस चीज़ को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो सिचुएशन है वो वर्स से भी वर्सन होती है हमें नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है, एक पैन इंडिया सर्वे किया गया था, सर्वे किया गया चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का, और सर्वे को यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे कंडक्ट किया था, और सर्वे का जो टाइटल है वो है मैपिंग एंड रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो पूरी रिपोर्ट का नाम है ये, यहाँ पे 2015 के दिसंबर और मार्च 2017 के बीच में यहाँ पे सर्वे को कंडक्ट किया गया, और इसको पब्लिक में रखा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। राइट हैंड साइड पे आपके यहाँ पे कुछ ग्राफ चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे बताया गया है जो एडिक्वेट केयर गिवर्स पर चाइल्ड अगर हम देखें वो सिर्फ 46.7% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर है। FIR फाइल्ड बाय होम ऑन मिसिंग चिल्ड्रन सिर्फ 18.3% ही यहाँ पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे FIR दर्ज कराई थी। यहाँ पे जो एफर्ट्स लिए गए हैं जो चिल्ड्रन के पेरेंट को ढूंढने के लिए वो सिर्फ 19.3% ही चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस ने किए हैं, और यहाँ पे जो होम्स हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि हमने बच्चों को रिस्टोर कर दिया वो सिर्फ 37.2% है। आप खुद यहाँ पे इमेजिन करो कितने कम ये नंबर्स हैं। यहाँ पे इस डिटेल रिपोर्ट ने बताया कि 28.7% जो सेंटर्स हैं उनके पास कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहाँ, और यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे शो हुआ कि साइंस थे उन बच्चों के हंगर के और इलनेस के। 28.7% ऑफ द चिल्ड्रंस यहाँ पे उन इंस्टीट्यूशन के अंदर सफ़र कर रहे हैं हंगर से और इलनेस के। 65.9% जो होम्स थे दे वर एबल टू एक्टिवली सुपरवाइज चिल्ड्रन अंडर ट्रॉमा। तो ये जो नंबर है ये भी कम है, ये जो नंबर है ये 90% से ज़्यादा होना ही चाहिए। यहाँ पे हमारे देश के बच्चों का सवाल है। ओके, तो जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो कम है, वो ग्लेयर होती जा रही हैं। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा होम्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉर्मिटरी नहीं है बच्चों के लिए। अभी डॉर्मिटरी क्या होता है, देखो बेड्स होते हैं ना, बेड्स बहुत सारे एक साथ लगे रहते हैं उन्हें डॉर्मिटरी कहते हैं, तो उससे जो स्लीपिंग कंसेनमेंट्स हैं, स्लीपिंग अरेंजमेंट हैं वो नहीं है बच्चों के लिए, सोने की जगह नहीं है। यहाँ पे जो रिपोर्ट है इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि यहाँ पे हमें रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को, जिससे इन लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डर पैदा हो कि यहाँ पे हमारे ऊपर इंस्पेक्शन हो सकता है और यहाँ पे बच्चों को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है टेस्ट मैच, और ये जो हमारा फोर्थ टेस्ट मैच है इस समय चल रहा है सिडनी के अंदर, पर यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कशन में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ऑफ जबुआज कृषि विज्ञान केंद्र या जिसे हम एग्रीकल्चर नॉलेज सेंटर के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को इस चीज़ का सजेशन दिया है कि आप लोग अपनी डाइट के अंदर यहाँ पे कड़कनाथ चिकन या काली मासी चिकन जिसको हम लोग लोकल नाम से जानते हैं उस चीज़ को यहाँ पे एज अ हेल्दी एडिशन के रूप में इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर चिकन के अंदर यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है वो बाकी सारे चिकन के मुकाबले कम होता है, सिर्फ 0.73 to 1.05% के आसपास होता है। और यहाँ पे आप बात करें कि नॉर्मल जो वाइट रेगुलर चिकन्स होते हैं उनके अंदर 13 to 25% का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उन लोगों को अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को भी ध्यान देना होता है, तो इस वजह से उस चीज़ की यहाँ पे सजेशन दिया गया है। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं कड़कनाथ चिकन के बारे में वो आपकी स्क्रीन पर है। कड़कनाथ चिकन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसको पिछले ही साल यहां पे GI टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला टैग मिला था,
और ये जो चिकन है इसकी लोकल ब्रीड को हम लोग काली मासी के नाम से जानते हैं। इट्स अ फेदरर फ्लैश और यहाँ जो बोन्स होती हैं वो भी यहाँ पे ब्लैक इन कलर होती हैं। इवन इनके जो आप एग्स देखोगे वो भी ब्लैक इन कलर होते हैं। तो ब्रीडर्स क्लेम करते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम होता है। नीचे आपके मैंने बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे प्रोटीन का इंटेक 18-20% होता है इसके अंदर, आयरन का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रखना चिकन, अगर वो लेती हैं तो उनके अंदर एनीमिया की शिकायत बिल्कुल नहीं आती है। और रेगुलर मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे होता है, फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आता है कड़कनाथ चिकन। विटामिन B1, B2, B6, B12 भी होते हैं और हेल्दी आईसाइट के लिए भी कड़कनाथ चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। 18 अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी कड़कनाथ चिकन के अंदर मिल जाएंगे और यहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंटेंट भी होता है इस पर्टिकुलर चिकन के अंदर, जो कि बोन स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाता है। तो आई पर्सनली प्रेफर टू बी अ वेजिटेरियन। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 9 पे आपको एक और चार्ट देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग आउट इसकी एक हेडलाइन है। यहाँ पे बात हो रही है कि झारखंड के अंदर हमारे देश का सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं जो अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाते वो झारखंड के अंदर हैं। झारखंड में 100 में से सिर्फ 30 ही ऐसे बच्चे होते हैं, 30 out of 100 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कि अपनी स्कूलिंग पूरी कर पाते हैं। और यहाँ पे सबसे कम जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो है यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का। मतलब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अपनी स्कूलिंग पूरी कर लेते हैं बाकी सारी स्टेट्स के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देखो जो ड्रॉपआउट रेट्स है वो सबसे ज्यादा आदिवासी कम्युनिटी के अंदर है। बाकी सारी कम्युनिटी से अगर हम लोग उसे रिलेट करें तो मतलब एसटीज जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 100 लोग मान लो कहीं अपने एनरोलमेंट कराया तो उनमें से एलिमेंट्री एजुकेशन 94 पूरा करते हैं, सेकेंडरी 75 और सीनियर 70। बाकी सारी स्टेट्स का जो ग्राफ है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको एक बार ही देख लेना अगर आप उस स्टेट का पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। साथ ही यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, देयर इज नो जेंडर डिस्पैरिटी इन ड्रॉपआउट्स, बॉयज एंड गर्ल्स क्विट स्कूल्स इन इक्वल मेजर। ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा ड्रॉप आउट करती हैं, बॉयज़ ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं, दोनों में जो रेशियो वो लगभग सेम ही। आप देखोगे बॉयज़ में भी जो नंबर्स हैं सेम है, गर्ल्स में भी जो नंबर हैं वो सेम है। तो जो यहाँ पे जो अच्छी परफॉर्मेंस अगर हम बाकी स्टेट्स के मुकाबले कंपेयर करें तो वो आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, और सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे झारखंड की है। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है, राज्यसभा अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस समय लगा हुआ है प्रेसिडेंट्स रूल और प्रेसिडेंट्स रूल को 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से पास कराना होता है। अब मान लो अगर यहाँ पे जो लोकसभा है वो इन 2 महीने के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बीच में यहाँ पे अगर राज्यसभा से पास करा लिया जाए तो जब भी लोकसभा मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे लोकसभा से पास कराना होता है प्रेसिडेंट्स रूल को। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे राज्यसभा ने पास किया प्रेसिडेंट्स रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और उससे रिलेट करते हुए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बोला कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के मैंडेट का इंतजार कर रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलेगी कि वहाँ पे इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाएँ तो हम बिल्कुल तैयार हैं और उनको भरपूर सिक्योरिटी फोर्सेज और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं मैंने आपको बताया, इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेस, अगर दोनों ही हाउसेस को यहाँ पे अप्रूव मिल जाता है जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजिडेंट प्रोक्लोमेशन का या किसी भी प्रेजिडेंट प्रोक्लोमेशन का जो कि आर्टिकल 356 में होता है जिसे हम लोग प्रेजिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, जो प्रेजिडेंट्स रूल है इट कैन कंटिन्यू फॉर 6 months, सिर्फ 6 महीने तक यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है और इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट डन एवरी 6 months। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को हर 6 महीने बाद अप्रूवल देना पड़ता है और मैक्सिमम 3 साल तक हम लोग जो प्रेसिडेंट रूल है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है इस मीन टाइम के अंदर तो जब भी लोकसभा की पहली सिटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे पास करना होगा लोकसभा को, पर इस दौरान यहाँ पे राज्यसभा का अप्रूवल तो मिल ही जाना चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस करता है एक नया प्रोविजन जिसके अंदर यहां पर पार्लियामेंट की जो पावर है उसे रिस्ट्रेन किया जाता है टू एक्सटेंड द प्रेसिडेंट्स रूल। इसके अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिडेंट्स रूल है इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड ओवर अ ईयर एवरी 6 months अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर आपको 1 साल से ज्यादा करना है तो यहां पर 2 ही कंडीशन होनी चाहिए। पहली है यहां पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो किसी पार्ट में या पूरे के पूरे देश
और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ को सर्टिफाई करे कि अभी कंडीशन में जैसी चल रही है यहाँ पे कंडीशन चल रही हैं उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट के अंदर इलेक्शन हम लोग नहीं कंडक्ट करा सकते। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे खबर आई है चंद्रयान 2 से रिलेट करते हुए। मैंने आपको बताया था 2019 के अंदर 32 मिशंस हैं जो इसरो ने यहाँ पे प्लान किए हैं, वही यहाँ पे न्यूज़ आई है चंद्रयान 2 अमंग 32 मिशंस प्लान फॉर 2019। और यहाँ पे हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन होने वाला है चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च होगा और उसके बाद यहाँ पे 2022 के अंदर हम लोग लॉन्च करेंगे गगनयान। पर गगनयान के से पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे चालू हो जाएंगे 2019 के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है जजेस के रिटायरमेंट एज के बारे में। मैं आपको बता दूं जो हमारे भारत देश के जो जजेस हैं उनकी जो एज होती है रिटायरमेंट की वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 है और हाई कोर्ट्स के अंदर 62 है। अब उनको चेंज करने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि देश में जो वैकेंसीज हैं वो दिन पे दिन यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मैप भी देख सकते हो, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने इस चीज़ के कंसर्न रेज करे हैं जिस तरीके से जुडिशियल वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं हाई कोर्ट के अंदर। आप देखोगे हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसीज कितनी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 56 वैकेंसीज हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर 39 है, कर्नाटक के अंदर 38 है, पंजाब के अंदर 35 है और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो कि अब अलग हो चुकी हैं दोनों की यहाँ पे हाई कोर्ट्स उनके अंदर मिला के 30 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे 1079 अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे जजेस की इन द 24 हाई कोर्ट्स। ओके, तो अब तो यहाँ पे 25 हो गई हैं और यहाँ पे 695 जो पोस्ट हैं वो ही यहाँ पे जो फिल्ड हैं, मतलब 35.5% जो पोस्ट हैं वो अभी तब भी वेकेंट हैं, खाली पड़ी हुई हैं। ओके, तो द नेक्स्ट स्क्रीन इज़ ऑन योर पर्टिकुलर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉ मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी ऐसा प्रपोजल अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसे हम लोग 65 से बढ़ा के 67 कर दें या हाई कोर्ट जजेस की जो एज है 62 से बढ़ा के 65 कर दी जाए। यहाँ पे मिनिस्टर यहाँ पे रिस्पांस कर रहे थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के एक कंसर्न को जो कि रिलेट करता था कि यहाँ पे जो वैकेंसी और जो पेंडेंसी ऑफ जो केसेस हैं उन्हें अगर हमें सॉल्व करना है, कम करना है तो क्या करो, हम लोग रिक्रूटमेंट तो अभी कर नहीं सकते तो जजेस की एज बढ़ा दो जिससे वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पे काम करें। यहाँ पे अगस्त 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल 114th अमेंडमेंट बिल आया था, लोकसभा के अंदर पेश हुआ था। उस समय यूनियन मिनिस्टर थे, यहाँ पे लॉ मिनिस्टर थे एम वीरप्पा मोइली जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसी पर्टिकुलर सामने रखते हुए कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो एज है रिटायरमेंट की उन्हें 65 से बढ़ा दिया जाए और इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया जाए। बट उस समय जो डिसॉल्यूशन हो गया था 15th लोकसभा का और बिल जो लैप्स हो गया था, मैंने आपको लैप्सेशन ऑफ द बिल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो ट्रिपल तलाक वाला जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा के अंदर। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा के अंदर, जिससे बिल लैप्स ना हो अगर लोकसभा रिजॉल्व हो जाए, पर यहाँ पे लोकसभा के अंदर बिल था इस वजह से वो लैप्स हो गया क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। करेंटली अगर हम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर्स की बात करें, जो जजेस हैं कैसे अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे जो प्रपोजल है उसको इनिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, विद इन द 6 मंथ्स बिफोर द अकरेंस ऑफ अ वैकेंसी, वैकेंसी के 6 महीने के पहले जब वैकेंट होगी वो सीट, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, पहले वाले 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे प्रपोजल देते हैं। 6 हफ्तों के अंदर यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं ऑन दी प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम द चीफ जस्टिस। और उसके फिर 4 हफ्तों के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है उन्हें रिकमेंड करना पड़ता है प्रपोजल टू द लॉ मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, हम आ गए हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। तो इकोनॉमी के अंदर आज बहुत सारी खबरें आई हैं पर 4 जो न्यूज़ है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर है, तो जल्दी से उन 4 न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि 70,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट रिकवर कर पाएगी 12 बड़ी बड़ी कंपनी से जिनको आइडेंटिफाई किया गया है बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के अंदर अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बाय March 31st, 2019। देखो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन भी है कि यहाँ पे जो एनपीए की प्रॉब्लम है उससे हम लोग 1,00,000 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएंगे 2019 के अंदर। 2018 के अंदर हम लोगों ने कितने किए थे, हमने किए थे 80,000 करोड़ रुपीज़। साथ ही दूसरी न्यूज़ यहाँ पे है, 2000 के जो बैंक नोट्स हैं
उन्हें हमने क्यों छापा था, इस चीज़ को यहाँ पे सामने हमारे आ गया है। क्यों छापा था? क्योंकि हमें रीमोनेटाइजेशन करना था। डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500,000 रुपये के जो नोट थे वो बंद हो गए। यहाँ पे नोटों को वापस पहुँचाना था, करेंसी को वापस पहुँचाना था, जल्द से जल्द करेंसी पहुँच सके, जल्द से जल्द मैनर में पहुँच सके, इसलिए 2,000 के जो करेंसी नोट्स उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं 2,000 के नोट मार्केट्स में, और RBI भी यहाँ पे रिड्यूस करता जा रहा है 2,000 रुपये के नोट्स, और जो करेंसी की जो प्रिंटिंग है वो भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है टाइम टू टाइम। इसके साथ जो तीसरी न्यूज़ है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये चीज़ प्लान करी है कि 10,000 करोड़ रुपए वो लोग यहाँ पे रेस करेंगे थ्रू भारत माला टैक्सेबल बॉन्ड्स। ओके, भारत माला टैक्सेबल बॉन्ड हमारे सामने आएंगे, उससे 10,000 करोड़ रुपये यहाँ पे रेस किए जाएंगे। उनका ये भी कहना है यहाँ पे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, एज पर द इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स अप्रूव फॉर 2018-19 बाय द गवर्नमेंट, 62,000 करोड़ रुपये पहले से ही रेस किए जा चुके हैं NHAI द्वारा थ्रू वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग भारतमाला बॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे फोर्थ न्यूज़ ये है स्टार्टअप्स स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेट करते हुए कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके सामने 2019 के अंदर। ऐसा कहना है कि रिपोर्ट का बाय सिटीजन्स एंगेजमेंट फोरम जिसका नाम है लोकल सर्कल, उन्होंने बोला है जो स्टार्टअप हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं MSME हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और उनको सही समय पर लोन नहीं मिल पाते। यहाँ पे एंजल टैक्स के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए कि यहाँ पे जो एंजल टैक्स होता है, एंजल टैक्स क्या होता है, जो स्टार्टअप को जो नया इन्वेस्टर यहाँ पे पैसे देता है उसको कहते हैं एंजल टैक्स। तो वो जो एंजल टैक्स है वो भी इस समय करप्शन का शिकार है और इस वजह से जो स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे, सरकार पे भरोसा उठता जा रहा है, टैक्स डिमांड यहाँ पे बढ़ती जा रही है और पेनल्टीज भी बढ़ती जा रही हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, उनके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हम लोगों ने GST के अंदर एक ई वे बिल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस लाए गए, उससे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं वो परेशान हैं। वो क्यों परेशान हैं? वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि यहाँ पे चेंज किया जाए, जिसको November 16, 2018 से नए डिसीजन को लागू किया गया, वो ट्रांसपोर्टर्स के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कि अगर कोई ए पर्सन है जो कि सेल करता है अपना मटेरियल बी पर्सन को, और यहाँ पे वो एक इनवॉइस को रेज कर देता है, इनवॉइस मतलब यहाँ पे जो बिल होता है उसे रेज कर देता है, और यहाँ पे वो एक ई वे बिल भी प्रोड्यूस कर देता है। अब ट्रांजिट वाले सिस्टम के अंदर अब मान लो व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया, व्हीकल ख़राब हो गया, डिले हो गया, किसी रीज़न की वजह से सही समय पर नहीं पहुँच पाया, तो जो ओरिजिनल जो ई वे बिल होता है वो एक्सपायर हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ टाइम लिमिट दी गई है। इस नए वाले सिस्टम के अंदर देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द ट्रांसपोर्टर टू मूव द मटेरियल, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाएं क्योंकि सिस्टम यहां पे ब्लॉक कर देता है दूसरा ई वे बिल प्रोड्यूस करने से। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगर आप कोई सामान भेज रहे हो और डिले हो गया और फिर आप उसे नहीं भेज पाओ और आप उसके लिए कोई नया बिल भी जनरेट नहीं कर पाओ, ये अपने आप में कैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पे जो ई वे बिल का जो प्रोजेक्ट है उसे हमारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑपरेट करती है। आप सरकार की कोई भी एक वेबसाइट खोलोगे तो भी आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो लोगो है वो से नीचे जरूर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही यहाँ पे बोला है जो पेनल्टीज होती है ऑन टैक्स पेड मटेरियल वो अलग से होती है, जो टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं वो अपना सिर्फ टारगेट पूरा करते हैं, और यहाँ पे जो लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो परेशान हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे जो न्यू हॉरिजॉन है हमारा नासा का, उसने यहाँ पे तस्वीरें क्लिक कर रही हैं अल्टीमा थ्यूल की। मैंने आपको बताया था अल्टीमा थ्यूल की पिक्चर्स क्लिक करने वाला है। अल्टीमा थ्यूल वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा दूर वाला कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली हैं। और आपको बता दूँ अल्टीमा थ्यूल कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे अल्टीमा थ्यूल दो अलग अलग यहाँ पे रॉक के, सॉलिड रॉक के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे दोनों एक लोब के थ्रू जुड़े हुए हैं। उनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, राइट एंड साइड पे यहाँ पे तीन तस्वीरें आ रही हैं। तो बेसिकली जो अल्टीमा थ्यूल का जो सरफेस है ये बताया गया साइंटिस्ट द्वारा कि वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को एज मच एज गार्डन वेराइटी डर्ट।
यहाँ पे बताया गया है कि जो बॉडी है वो कंप्लीट करती है अपनी खुद की रोटेशन इन अबाउट 15 आवर्स, और यहाँ पे 16,000 times फेंटर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं सूर्य की रोशनी जितनी अर्थ पे आती है उसके मुकाबले। यहाँ पे नासा ने डब किया है इस लार्जर लोब अल्टिमा को, जो बड़ा वाला जो हिस्सा है वो अल्टिमा है और छोटा वाला जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो है थ्यूल। ओके, जो थ्यूल है वो 3 गुना छोटा है यहाँ पे अल्टिमा से, और यहाँ पे ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको क्लियरली हम लोग देख पाए हैं, और ये बायलोब, इन्हें कहते हैं बायलोब। दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब ये यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इट्स अ 4.5 बिलियन ईयर एगो यहाँ पे जो क्लाउड था वो फ्रोज हुआ था, और यहाँ पे जो दोनों जो ये अलग अलग यहाँ पे बॉडीज थी वो जुड़ गई थी, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर लिया था बहुत ही स्लो स्पीड में, और यहाँ पे जो लोब्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रेस्ट हुए हुए हैं। ओके, यहाँ पे जो अल्टीमा थ्यूल है वो एक आइसी सेलेस्टियल बॉडी है, हमारा जो कैलिपर बेल्ट है उसके पार पड़ती है, बहुत ही ठंडा जोन होता है, हम लोग मानते हैं अभी तक वो जो जोन है वो वैसा ही है जैसा तब सोलर सिस्टम बना था उस समय पर। यहाँ पे नासा के जो हॉरिजन मिशन है उसने तस्वीरें क्लिक करके भेज दी हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने टेलीस्कोप से तो अल्टीमा थ्यूल को 2014 के अंदर आइडेंटिफाई किया था, 2015 के अंदर हम लोगों के पास मून की तस्वीरें आई थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि सबसे दूर की किसी चीज़ की हम लोगों ने तस्वीरें ऑब्टेन कर ली हैं। आज की न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और कोई भी मन में आपके कमेंट, सवाल, जवाब, क्वेरी हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो करके यहाँ पे अपने अपने सवाल पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपके पास अन अकेडमी की ऐप है तो वहाँ पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। आज के न्यूज़पेपर को यही एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।